बिगिनर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि आपके फेसबुक बिजनेस पेज और इंस्टाग्राम बिजनेस पेज को एक दूसरे के साथ मर्ज कैसे करना है, कैसे एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपसे कहा था कि एक प्रोफेशनली और मैच्योरली सेट किए हुए बिजनेस पेज और एक नॉन प्रोफेशनली यानी कि इमेच्योर बिजनेस पेज के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू ग्रो योर इंस्टाग्राम, अगर आप अपने फेसबुक मार्केटिंग को एक्सेल करना चाहते हो, देन आपको सही तरीके की सेटिंग करने बहुत जरूरी है। सो हाई, दिस इज फोरम मारफतिया पटेल और आज के वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट हाउ टू डू सेटअप ऑफ योर बिजनेस पेज, यानी कि आपके फेसबुक बिजनेस पेज और इंस्टाग्राम बिजनेस पेज का एक सही सेटअप कैसे होना चाहिए और मर्ज कैसे करना है। बिफोर दैट मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड आप बेल का आइकॉन जरूर दबाइए ताकि और नई एक्साइटिंग वीडियोज की सारी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। जैसे कि मैंने आगे भी कहा था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को मर्ज करने के लिए इट हैज टू बी टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि हमें फेसबुक के पेज में जाके भी सेटिंग करने पड़ेंगे कि हमारा कौन से इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ हमें ज्वाइन करना है और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी हमें सेटिंग करने पड़ेगी हमारे कौन से फेसबुक पेज के साथ हमें ज्वाइन होना है। चलिए पहले बात करते हैं फेसबुक पेज के थ्रू। सो फेसबुक पेज में दोस्तों ऊपर राइट साइड पे सेटिंग्स करके एक मेनू होता है। सेटिंग्स मेनू में अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अगर आप पेज के एडमिन हो तभी आप ये चीज कर पाओगे। सो मेक श्योर दैट यू आर अ पेज एडमिन राइट नाउ। जब आप ऐसे सेटिंग में जाओगे तो वहां पे इंस्टाग्राम करके आपको टैब मिलेगी और वो टैब में आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के यूजर नेम और पासवर्ड जैसे ही एंटर करोगे वैसे ही फेसबुक के थ्रू इंस्टाग्राम का मर्जर हो जाएगा, यानी आपके फेसबुक पेज में वो इंस्टाग्राम अकाउंट ज्वाइंट हो चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे इंस्टाग्राम से फेसबुक को मर्ज करना है। अब इंस्टाग्राम से जब हम फेसबुक को मर्ज कर रहे हैं तब वहां पे हमें दो तीन ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि फर्स्ट, जब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कन्वर्ट करते हो प्राइवेट से पब्लिक में, तभी आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से पेज के साथ कनेक्ट करना चाहते हो आपके फेसबुक के। अगर उस टाइम आपने सही फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लिया है तो आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक मर्ज हो चुका है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट अगर शायद आपने उस टाइम पे स्किप कर लिया है तो नाउ यू कैन गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स मेनू में अकाउंट्स और अकाउंट्स के अंदर है लिंक्ड अकाउंट। ये लिंक्ड अकाउंट के अंदर आपको फेसबुक का जो ऑप्शन मिलेगा वहां पे फेसबुक में जाइए और आप वहां पे आपका फेसबुक पेज जो ऑटोमेटिक वहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे, जितने भी फेसबुक पेज आपके अवेलेबल होंगे वो सारे फेसबुक पेज डिस्प्ले हो जाएंगे। उसमें से आपका जो सही फेसबुक पेज है जिसके साथ आप मर्ज करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ मेक श्योर दैट आप जब ये सेटिंग करो उससे पहले आपके मोबाइल में जो फेसबुक का एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो उसके अंदर सही अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम में जाओगे और आप ये फेसबुक के पेज को चेक करने जाओगे यानी सिलेक्ट करने जाओगे तब वो ऑटोमेटिकली आपका जो फेसबुक का एप्लीकेशन होगा उसमें जो पेजेस अवेलेबल होंगे वही पेजेस वहां पे दिखाए जाएंगे। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर लॉग इन टू अ करेक्ट पेज। ऑल राइट, सो हमने दोनों तरफ से जो सेटिंग्स करने थे वो प्रॉपर सेटिंग्स कर लिए हैं। अब आपके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मर्ज हो चुके हैं और सेट हो चुके हैं। नाउ इसका फायदा क्या है, कौन से बेनिफिट्स है जो आप ये सेटिंग करके ले सकते हो। फर्स्ट, आप अपने फेसबुक पेज में जब भी पोस्ट को शेड्यूल कर रहे हो क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू, आप इंस्टाग्राम में भी ऑटोमेटिक आपकी पोस्ट शेड्यूल कर पाओगे। आप जब फेसबुक में स्पॉन्सर्ड एड्स रन कर रहे हो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में भी सिलेक्ट करके, यही इंस्टाग्राम अकाउंट को सिलेक्ट करके उसमें भी स्पॉन्सर्ड एड वहीं से रन कर पाओगे। जब आप इंस्टाग्राम के अंदर पोस्ट कर रहे हो वहां पे ऑप्शन आ जाता है कि क्या आप यही सेम पोस्ट फेसबुक पेज में ऑटोमेटिकली पोस्ट करना चाहते हो कि नहीं, यानी कि यू डोंट हैव टू इवन ओपन अ फेसबुक पेज और जब आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे ऑटोमेटिक वही पोस्ट आपके फेसबुक पेज में भी हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज जब अपलोड करते हो वो ऑटोमेटिक आपके फेसबुक पेज के ऊपर भी अपलोड होने का ऑप्शन वहां से खुल जाता है। सो अगर ये सेटिंग सही किए होंगे तभी ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। सो एंजॉय इनटू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटाइजेशन। मेरे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड टू ग्रो बिजनेस गो डिजिटल।